हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 25 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है मीराबाई लिफ्ट स्प्रिट। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू को सिल्वर मिला है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ब्लिंकन विजिट टू ले ग्राउंड फॉर क्वाड मीट, यूएसएस विल रेज ह्यूमन राइट्स इशू। अब यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं वो नेक्स्ट वीक इंडिया में विजिट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि वो किस किस बारे में बात करेंगे, तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इन सारे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो वी बिलीव इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग दोज कॉन्वर्सेशंस एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स। द होल नोशन ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ, उनसे ये पूछा गया कि आप पेगासस स्पाईवेयर जो यूज़ हो रहा है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट और इंडिया में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला द होल नोशन ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अगेंस्ट सिविल सोसाइटी या फिर रिजीम क्रिटिक्स, किसी के लिए भी किया जा रहा है तो काफ़ी कंसर्निंग है। साथ ही आई विल से दैट वी हैव बीन आई थिंक क्वाइट वोकल अबाउट ट्राइंग टू फाइंड वेज फॉर कंपनीज टू बी एबल टू इंश्योर दैट द टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज इन टाइप ऑफ वेज। और साथ ही जैसे एनएसओ ग्रुप है उनसे भी वो इस बारे में पूछेंगे या जानेंगे कि जो कंपनीज है वो अपनी टेक्नोलॉजी कैसे गलत यूज़ ना होने दें। स्ट्रेसिंग दैट द रिलेशनशिप जो इंडिया के साथ है उनकी स्ट्रॉन्ग वन है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अच्छे से इंडिया के साथ उनकी रिलेशनशिप जो है स्ट्रेंथन हुई है यूएस की। उनके जो बेसिकली बायलेटरल डिस्कशंस होंगे वो सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाना है, डिफेंस को कैसे अच्छा करना है, साइबर एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन कैसे बढ़ाने हैं, तो इस बारे में होंगे। बेसिकली सारे कंट्रीज़ में सेम ही बात होती है, डिफेंस को कुछ भी आंसर आए सेम ही चीज़ें लिखनी होती है कि डिफेंस को कैसे बढ़ाना है, साइबर को, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। अफगानिस्तान में ये बात हुई है कि वी इंटेंड टू डिस्कस आवर एफर्ट्स टू सपोर्ट अ जस्ट एंड ड्यूरेबल पीस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दोनों लोग, यूएस हो चाहे इंडिया, वो यही चाहते हैं कि वहाँ पर ड्यूरेबल पीस हो। उसके अलावा अफगानिस्तान के सारे नेबर्स भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा पीस हो। तो ऑल ऑफ अफगानिस्तान नेबर्स हैव एन इंटरेस्ट इन अ पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान। वी स्ट्रांगली, अब उनसे ये पूछा गया इंडिया और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है। उन्होंने बोला वी स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया एंड पाकिस्तान इशूज आर वंस फॉर देम टू वर्क आउट बिटवीन देमसेल्व। तो इसमें किसी और का कुछ कहने का हक नहीं होता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अपना इशू खुद सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही वो प्लीज्ड है कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर को एग्री किया था। आगे चलते हैं। डोंट लेट डेली काउंट गो अवर 50,000 कोविड ग्रुप टू गवर्नमेंट। तो बेसिकली कोविड ग्रुप ने गवर्नमेंट से ये बोला है जो 50,000 से केसेस आगे ना बढ़ने दें वरना उससे सर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। तो आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ लेवल ऑफ 4-5 केसेस पर डे इन द नेक्स्ट सर्ज, की हमें थर्ड वेव में लगभग 4-5 लाख केसेस को देखने को मिल सकते हैं प्रतिदिन। टास्क विद फॉर्मुलेटिंग द नेशंस कोविड इमरजेंसी स्ट्रेटजी हैज सेड दैट ऑल स्टेप्स शुड बी टेकन, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिए जाएं जो केसेस उनको 50,000 के अंदर रखा जाए। अब हम आगे चलते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें, मास्क, हाइजीन, डिस्टेंसिंग एंड केयरफुली कैलिब्रेटेड लॉकडाउन्स। अब हम आगे चलते हैं। बेल ग्रांटेड टू चाइनीज नेशनल अक्यूज ऑफ इलीगली स्टेइंग इन इंडिया। तो बेल किस बेसिस पर ग्रांट की गई है? जो राइट टू बेल है वो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, इस बात का प्रजम्पशन है कि इंसान इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी नहीं प्लीड हुआ है। तो प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे बेल ग्रांट की जा सकती है और ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है इस चीज़ को। हम आगे चलते हैं। बीजेपी शुड रन कंट्री, लेट आप गवर्न दिल्ली, केजरीवाल। तो बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी में यहाँ पर रसाकसी तो रहती है। अब जो एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने 293A क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उनको ये पावर मिली हुई है कि किसी भी मैटर को वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं अगर उस मैटर में इलेक्टेड गवर्नमेंट और उनके बीच में कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो दिस प्रोविजन ऑथोराइजेस हिम टू रेफर इशूज ऑन विच ही इज इन डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट, और कैबिनेट को ओवर रूल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो एलजी है वो सारे मैटर्स रेफर नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में से रेफर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी डे टू डे मैटर्स भी एलजी द्वारा रेफर कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को। तो सिसोदिया सेड द एलजी हैज ओवर रूल्ड द कैबिनेट डिसीजन साइटिंग अर्जेंसी एंड सेंसिटिविटी। इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर सारे मैटर्स फिर प्रेसिडेंट को ही रेफर होने हैं तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है? द एलजी हैज स्पेशल पावर्स बट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो एलजी के पास ये स्पेशल पावर्स है कि कभी कंसेंसस बिल्ड ना हो पाए तो प्रेसिडेंट को मैटर रेफर किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो एलजी है वो अपनी ये पावर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही इन्वोक करेगा, डे टू डे अफेयर्स के लिए इन्वोक नहीं करेगा। अंडर द लॉ द इलेक्टेड गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द एलजीज एडवाइस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन एनी कैबिनेट डिसीजन। उसके बाद फिर एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 भी आ गया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बाद तो और ज़्यादा पावर दे दी गई है एलजी को और इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम होती जा रही है। तो अंडर द लॉ उसके बाद से हम देख रहे हैं जो टसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आगे चलते हैं।
टू हेल्प किड्स फील सेफ एट पुलिस स्टेशन 11 चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स कम अप। अब तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया, चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स बना दिए हैं 11 पुलिस स्टेशन जो भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चे थे वो पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्ट करने में डरते थे और अपनी कभी भी जो भी उनको कंप्लेन होती थी वो कर नहीं पाते थे। जैसे कुछ बच्चे हैं वो विक्टिम है रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और वो तभी उसके नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, इसलिए ऐसा कुछ चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया ताकि बच्चे आ पाए वहाँ पर। तो टू क्रिएट अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर चिल्ड्रन हु हैव टू लॉज कंप्लेंट्स, द दिल्ली पुलिस लॉन्च चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स एट 11 पुलिस स्टेशन, ताकि बच्चे आसानी से लीगल हेल्प ले सकें। तो देर आर चिल्ड्रन हु लीव देयर हाउसेज एंड आर रेस्क्यूड फ्रॉम अदर सिटीज और स्टेट्स, सम आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ अब्यूज। इसके अलावा कुछ जुवेनाइल्स भी जो पेटी क्राइम्स में आ जाते हैं, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये वाली है, नीतीश रीअफर्म्स डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस, अर्जेंट सेंटर टू रीथिंक स्टैंड। तो यहाँ पर नीतीश कुमार का ये कहना है जो सेंसस हो रहा है वो कास्ट बेस्ड होना चाहिए। जो सेंसस होता है उसमें एससी एसटी को तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाकी जो सेंसस होता है जनरल पॉपुलेशन और ओबीसी, उन सब के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने बोला कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए, लेकिन सेंटर ने इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो नॉट विद स्टैंडिंग द सेंटर कैटेगोरिकली सेइंग इन पार्लियामेंट दैट नो एन्यूमरेशन अदर देन दैट फॉर एससी एंड एसटी विल बी डन। तो सिर्फ एससी और एसटी का अलग से एन्यूमरेशन होता है, लेकिन बाकी किसी कास्ट का नहीं होता है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन सैटरडे रीअफर्म डिमांड फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ये कहना है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। इससे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बाकी सारे पुअर्स के लिए भी हम अच्छे से बना सकते हैं, जैसे कि दलित का हम डेटा वहाँ से लेकर अच्छे से उनके बारे में स्कीम्स बना सकते हैं, तो वैसे और सबके लिए भी स्कीम्स को रैशनलाइज किया जा सकता है। कुमार सेड द बिहार असेंबली हैज पास्ड यूनानिमस रिजोल्यूशन ट्वाइस इन 2019 एंड 2020, दो बार उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको माना नहीं है। द जेडीयू डी फैक्टो लीडर सेड दैट दो कास्ट सेंसस बिगेन इन 2010, तो एक बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसकी रिपोर्ट लेकिन 2013 में आई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कभी भी रिलीज किया नहीं गया। सेंसस ऑन कास्ट हैज नॉट बीन डन इन इंडिया आफ्टर द लास्ट वन इन 1931, द ब्रिटिशर्स करते थे कास्ट सेंसस, द कास्ट बेस्ड सेंसस शुड बी डन एटलीस्ट वंस। तो उनका ये कहना कास्ट बेस्ड सेंसस एक बार तो होना ही चाहिए ताकि हमें बाकी सारी कास्ट वाइज पॉपुलेशन के बारे में भी डेटा मिल सके। आगे चलते हैं, कोविड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड। तो यहाँ पे एक स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल इंडियन पीडियाट्रिक्स, जिसमें ये क्लेम किया गया है जो कोविड 19 है वो ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्टेड मदर से बेबी को प्री नेटल पीरियड में। द स्टडी ऑल्सो सजेस्ट इंक्रीज मॉर्बिडिटी इन इन्फेक्टेड इन्फेंट्स विद अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद प्री मेच्योर बर्थ्स, इंडिकेटिंग इट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री मेच्योर लेबर इन कोविड पॉजिटिव प्रेगनेंट वेमेन। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट SARS-CoV-2 पॉजिटिव न्यूबॉर्न्स आर मोर लाइकली टू बी सिम्टोमेटिक। तो अगर SARS-CoV-2 में ऐसे मदर के टाइम मदर से बेबी में ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चे ज़्यादा सिम्टोमेटिक होंगे कोविड 19 से, लेकिन कोई ज़्यादा मॉर्बिडिटीज़ फिर भी नहीं देखी गई, मॉर्बिडिटीज़ उतनी ही है। UAPA सेडिशन लॉ नीड टू बी रिपील SC एक्स जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस का ये कहना है जो UAPA और सेडिशन है उसको हटना चाहिए। तो फोर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस सैटरडे बैटेड फॉर अ रिपील ऑफ द पीनल प्रोविजन, जो पीनल प्रोविजन हटना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसे डिसेंट को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो भी वॉइस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहती है उसे दबाने की कोशिश कर रही है। UAPA हैज फेल्ड अस ऑन बोथ काउंट्स। तो यहाँ पर जजेस के द्वारा ये बोला गया UAPA ने हमें दोनों काउंट्स में फेल किया, पहली बात नेशनल सिक्योरिटी को भी नहीं बना पाए और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम जो इंसान के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम उसे भी छीना जा रहा है। डेमोक्रेसी डिसेंट एंड ड्रैकोनियन लॉ शुड UAPA सेडिशन लॉ शुड हैव अ प्लेस इन द स्टैट्यूट बुक्स। साथ में उन्होंने ये पूछा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या ऐसे कंट्री में जहाँ हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं तो वहाँ पर के ऐसे लॉस की ज़रूरत है। वेल जस्टिस आलम सेड दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल बिकम्स अ पनिशमेंट फॉर मैनी इन सच केसेस। जो यहाँ पर सबसे टफ बात हो जाती है UAPA में अगर बुक भी कर दिया उसके बाद जो ट्रायल का प्रोसेस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो खुद में ही एक पनिशमेंट हो जाता है, और अगर किसी ऐसे इंसान को उसमें बुक किया गया जो बाद में एक्विट हो जाता है तो उसको कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए, ऐसा भी बोला गया जजेस के द्वारा। इक्वाइंग द व्यू जस्टिस गुप्ता सेड दीज ड्रैकोनियन लॉज हैव नो प्लेसेस इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में इन ड्रैकोनियन लॉज की कोई जरूरत नहीं है। द ओपिनियन दैट द लेजिस्लेशन हैव नाउ बिकम अ वेपन अगेंस्ट डिसेंट एंड दे नीड टू बी एब्रोगेटेड। और साथ ही उन्होंने बोला है ये जो UAPA और सेडिशन है इसकी वजह से एक वेपन बन गया कोई भी डिसेंट होता है तो उसको दबाने के लिए, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द UAPA। और एक क्रिटिसिज्म इसका ये है कि इसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है, और कन्विक्शन रेट कम होने के साथ साथ पेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो जो प्रोसेस होता है UAPA में कोई इंसान बुक हो जाता है तब से अगर वो बेगुनाह भी है तो उसे एक्विट होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो प्रोसेस ही खुद में एक पनिशमेंट बन जाता है। आगे चलते हैं हम, शाह टॉक्स केस
सर्ज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद नॉर्थ ईस्ट सीएम, तो नॉर्थ ईस्ट सीएम के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग हुई, तो वहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं, तो जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसके बारे में बात की गई, जैसे कि असम मिजोरम का आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यू सच एज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का, फ्लड्स और टूरिज्म, इन सारे बारों में भी बात हुई। अर्लियर इन द डे शाह इनॉग्रेटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी इनॉग्रेट किया गया, जैसे कि एक इंटर स्टेट बस टर्मिनस बनाया जाएगा, एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, और सारी जो भी कैपिटल हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की उनको कनेक्ट किया जाएगा बाय रेल एंड एयर 2024 से पहले पहले, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा से इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि नॉर्थ ईस्ट को हम जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे। ही एडेड दैट द टर्मिनल वुड कनेक्ट ऑल स्टेट एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जैसे ही सारे 8 स्टेट्स कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो अपने आप ही इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेलरेट हो जाएगी। साथ ही क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है। अब यहाँ पर तीन बातें बताई गई नॉर्थ ईस्ट के लिए कि तीन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहला, उनके रीजन के डायलेक्ट, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, फूड, कल्चर एंड डांस, इन सबको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अवेयरनेस फैलानी है पूरी दुनिया में इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए। सेकेंड इज़ टू मेक इट अ पीसफुल रीजन बाई रिजॉल्विंग ऑल डिस्प्यूट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट चलते ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एंड इज़ टू मेक इनटू अ डेवलप्ड रीजन। और इसके अलावा जो तीसरी बात ये है, जो नॉर्थ ईस्ट है उसको डेवलप्ड रीजन में बनाना है, और जो भी जीडीपी प्री इंडिपेंडेंस लेवल में कंट्रीब्यूट करता था नॉर्थ ईस्ट, उसको वैसा ही कंट्रीब्यूट कराना वापस से। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे फ्लड्स के बारे में न्यूज़ है। यहाँ पर सिर्फ हम ये एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन फॉर SC ST कम्युनिटीज स्टेट ड्यूटी, तो यहाँ पर बोला गया जो SC ST कम्युनिटी बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए तो स्टेट को स्पॉन्सर करना चाहिए। अब हार्डली अ वीक गोज बाय विदाउट एन ईमेल आस्किंग मी फॉर गाइडेंस ऑन ओवरसीज हायर एजुकेशन, की बहुत सारे SC ST कम्युनिटी के लोग भी ओवरसीज हायर एजुकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं। द एम इज टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SC ST OBC लीडरशिप विच इज एजुकेटेड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो ज़रूरत यह है जो नेक्स्ट जनरेशन आए SC ST OBC लीडरशिप की वो एजुकेटेड हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। सिमिलर एफर्ट्स कैन बी सीन एट आईवी लीग इंस्टीट्यूशन सच एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वेयर एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू हेल्प SC and ST एस्पायरेंट्स नेविगेट देयर वे थ्रू द कॉबवेब ऑफ एडमिशन प्रोसेस। इसके अलावा जैसे आईवी लीग इंस्टीट्यूशन जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी हेल्प करते हैं कि जो SC ST एस्पायरेंट्स होते हैं उनको एडमिशन अच्छे से दिलाया जा सके, क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो खुद में ही इतना टफ होता है, तो उसको ईज करने के लिए भी SC ST के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज भी काम कर रही हैं। द रिजल्ट इज दैट SC ST OBC पसमंदा एंड ट्राइबल म्यूजियम स्टूडेंट्स आर एटलीस्ट एमिंग फॉर द टॉप, तो अब इन सारी वजह से क्या होता है जो SC ST वाले बच्चे हैं उनमें भी एनकरेजमेंट आ रहा है कि वो भी ओवरसीज जाके पढ़ सकते हैं। फॉर अ लैंडलेस पुअर वर्किंग क्लास दलित, तो कोई अगर लैंडलेस है, पुअर है, वर्किंग क्लास दलित है, तो उसके लिए अगर वो ऊपर जाना चाहता है, अगर वो अपवर्ड मोबिलिटी चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसके पास एजुकेशन ही है। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं होगा तो ऐसे वो कभी अपवर्ड मोबिलिटी में आ ही नहीं पाएगा, तो विदाउट दैट दे वुड बी कंडेम्ड टू द ट्रेडिशन इम्पोज एनस्लेविंग जॉब्स। अब यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ स्टैंड अप इंडिया, अब स्टैंड अप इंडिया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्कीम अनाउंस की थी तो उन्होंने ये बोला था कि दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज से इसकी वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लॉन्च 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, दलित एंड पुअर पीपल इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि दलित और पुअर पीपल को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हम कंट्री में देख सकते हैं, और यही उनका विजन था स्टैंड अप इंडिया के लिए। दिस कैन बी एम्पलीफाइड इफ द करंट रिजीम अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, तो ऑथर ने ये बोला है जो रिजीम है जी उसे इंटरनेशनल हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझनी चाहिए, और जो नेशन उसे सेल्फ सस्टेनिंग इकॉनमी में के बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारे SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरनेशनल अरीना में जाएं पढ़ने। जैसे कि हम चाइना को देखें तो इन यूरोपियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जो भी ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको चाइनीज स्टूडेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना ने हमेशा पुश किया कि सर्टेन वोकेशंस होने ही चाहिए दूसरे कंट्रीज़ में, तो दस दे हैव ग्लोबल पार्टनरशिप विद एजुकेशन। इसीलिए चाइना की यूरोप के इंस्टीट्यूशंस के साथ, अफ्रीका की इंस्टीट्यूशंस के साथ, नॉर्थ अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस के साथ एक पार्टनरशिप भी है, कलीग्स इन द अमेरिकन अकेडमी। इसके अलावा जो बच्चे चाइना के बाहर नहीं जा पाते हैं तो ये क्या करते हैं, अमेरिकन अकेडमिया से टीचर्स को बुलाते हैं, फैकल्टी को बुलाते हैं चाइनीज स्कूल में, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करें, लॉन्ग टर्म कोर्सेज ऑफर करें, ताकि जो बच्चे हैं वो US स्कूल के पैटर्न के करिकुलम को भी एक्सपोज करें। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू स्टे रेलिवेंट इन द वर्ल्ड, ऑथर ने ये बोला अगर इंडिया वर्ल्ड में रेलिवेंट रहना चाहता है तो जरूरत है जो पुअर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का जिम्मा स्टेट ले। दलित्स एक्वायरिंग हायर एजुकेशन वर्ल्ड वाइड एंड नॉट लिमिट द अपॉर्चुनिटी टू ओनली एलिट्स, तो अभी हम देखते हैं सिर्फ एलिट्स ही जाते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने, हार्वर्ड में पढ़ने, तो दलित्स को भी ये मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो SC ST का वो काफ़ी कम है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में SC का 23% है, ST का 17.2% है, जो कि काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि अगर नेशनल एवरेज देखो तो 26.2% है। तो ऑथर ने बोला यहाँ पे स्टूडेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं।
इमरान डेविएटिंग फ्रॉम पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन कश्मीर, शहबाज शरीफ। अब पाकिस्तान को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बोला था एक्चुअली जो इस्लामाबाद होगा वो कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी बन सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया जाएगा और वो जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। सेइंग ही वॉज डिबेटिंग फ्रॉम, लेकिन फिर पाकिस्तान को अपोजिशन लीडर ने बोला वो डिविएट कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, जो कि यूएन ने बोला था कि एक रेफरेंडम होगा उसके बाद ये जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये बोल रहा हम एक और रेफरेंडम करेंगे और ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। UN mandated referendum, his government will hold another referendum to give the people of Kashmir a choice. तो ये क्या बोल रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को हम एक और चांस देंगे, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना चाहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की डिक्लेयर पॉलिसी देखें कश्मीर पे, जो कि UN रिजोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व हुई थी, तो उसमें ये बोला गया था थ्रू अ रेफरेंडम अलाउंग कश्मीरीज टू चूज आइदर पाकिस्तान और इंडिया। तो जो UN का रेफरेंडम, उसमें ये बोला गया था या तो पाकिस्तान चुना जा सकता है या तो इंडिया चुना जा सकता है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को चुन भी लिया उसके बाद हम आपको एक और रेफरेंडम देंगे कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो लेकिन UN रिजोल्यूशन में थर्ड वाला ऑप्शन नहीं था इंडिपेंडेंट रहने का, तो इंडिया इज असर्टेड दैट, लेकिन इंडिया का हमेशा से स्टैंड है जो जम्मू और कश्मीर है वो इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा इंडिया का ही है और इंडिया का ही रहेगा। आगे चलते हैं, वॉयलेंट प्रोटेस्ट मार फ्यूनरल ऑफ स्लेन हाइती प्रेसिडेंट। अब हाइती की प्रेसिडेंट का असासिनेशन हो गया था, उसके बाद कंट्री में इतनी दिक्कतें, इसलिए सबसे पहले तो वहाँ पे कॉलोनियल प्लंडर हुआ, उसके बाद फॉरेन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही, और फॉरेन इंटरफेरेंस और कॉलोनियल प्लंडर के चलते वहाँ पे रिच और पुअर के बीच में डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पर्सुएशन वर्सेस कोअर्शन, तो ये इंडिया में भी डिबेट आ रही थी कि वैक्सीन के लिए लोगों को फोर्स किया जाए या पर्सुएट करने की कोशिश की जाए, जैसे कुछ स्टेट्स ने कभी कभी ऐसी गाइडलाइंस निकाल दी कि फोर्स कर रहे थे, तो ये फोर्स गलत है, पर्सुएट किया जा सकता है जैसे कि फ्रांस कर रहा है। तो एज यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स स्क्रैम्बल टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन कर्विंग द डेल्टा वेरियंट, अब डेल्टा वेरियंट जो कोरोना वायरस का वो बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है केसेस में, साथ ही पर्सनल फ्रीडम की भी बात आ जाती है, अगर लोगों को फोर्स करो कि नहीं नहीं आपको वैक्सीन लगवानी, तो इससे उनका पर्सनल फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है। तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ऑन फ्रांस हैज लेड द वे डाउन एन एरो पाथ कि कैसे इसको कंबाइन किया जा सकता है। पहले उन्होंने ये बोला कि हेल्थ वर्कर्स को तो वैक्सीनेट होना ही होना है, साथ ही जो फ्रेंच पॉपुलेशन है अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली तो उनको पब्स में नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसे पब्लिक वेन्यूज में नहीं जाने दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली उन्हें भी वैक्सीनेशन लेनी ही पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इलॉन मस्क का ये कहना है वो इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो करेंटली इंडिया इम्पोजेस 100% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फुली इंपोर्टेड कार्स विद CIF वैल्यू मोर देन $40,000। तो उन्होंने बोला जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगभग $40,000 से ज़्यादा की वैल्यू हो तो उसमें 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता और 60% लगाता अगर उस अमाउंट से कम हो। और जो इंडिया है वो क्लीन एनर्जी व्हीकल्स को और डीजल पेट्रोल व्हीकल्स को सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है, अगर कोई डीजल पेट्रोल वाली व्हीकल्स को इंपोर्ट करता उसे भी 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, और जो इलॉन मस्क है वो क्लीन एनर्जी व्हीकल्स इंपोर्ट करेंगे तो उनको भी उतनी ही देनी पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं जो इंडिया के क्लाइमेट के गोल्स हैं वो एक्चुअली कंसिस्टेंट नहीं है जो भी उन्होंने ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। उन्होंने बोला अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लेगा तो वो जरूर यहाँ पर आएंगे। तो वी आर होपफुल दैट देयर विल बी एटलीस्ट अ टेम्पररी टैरिफ रिलीफ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहले उन्होंने बोला वो इंपोर्ट करने के लिए उनको व्हीकल्स के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद ही वो असेंबली के बारे में सोचेंगे कि इंडिया में असेंबली करें व्हीकल्स की या ना करें। आई होप आपको न्यूज़पेपर आज का समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।